हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा एक रोमॅन्टिक हॉरर चित्रपट असून त्याला मोहित सुरी यांचं दिग्दर्शन लाभलं आहे. या चित्रपटामध्ये अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर यांच्यासोबतच दिशा पटानी आणि कुणाल खेमू हे सुद्धा झळकणार आहेत. याविषयी कुणाल खेमूने आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. पाहुयात काय म्हणतोय कुणाल. एक दो घंटे में खत्म हो जाती है तो आपको वो किरदार सिर्फ उतने अरसे के लिए जीना है, जबकि एक वेब शो में आप उसकी यू नो जड़ तक जा सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमने 8 एपिसोड किए, अगर 40-40 मिनट का भी एपिसोड है तो कम से कम 7-8 घंटे का स्क्रीन प्ले बनता है. हिट हुई तो और भी एपिसोड कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड जो अभी अभय के साथ बात चल रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो इतनी जल्दी इतना सराहा गया उसे और इतना प्यार मिला उस किरदार को और उस शो को. और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया यू नो इस पेस करने में, क्योंकि मुझे इस तरह के शोज़ देखना भी पसंद है. तो जब मुझे करने का मौका मिला और जिस तरह से हमने शो को बनाया, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कलंक और अभय दोनों कॉमेडी से हटके जो किरदार मैंने किए उन दोनों को लोगों ने सराहा है. अभय के सीज़न 1 ख़त्म हो गया, उसका लास्ट एपिसोड अभी 3 तारीख को आया था. अभी सीज़न 2 करने की बातें चल रही हैं बिकॉज इट्स बीन लव्ड एंड अप्रिशिएटेड सो मच. लेकिन अभी बहुत जल्द है उसके बारे में बात करने का, लेकिन इंटेंट है अभी सीज़न 2 का बनाने का. तो अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली आपकी, चाहे मैं सोहा जी, सैफ, करीना जी, सभी की बात करूं, इनाया की बात करूं, अगर किसी ने आप अभय एंड कलंक अगर देखी या कुछ, क्या उनका फीड, या सोहा जी का क्या फीडबैक था लाइक देखने के बाद, कुछ अगर आपको याद है तो. थैंकफुली जो ऑडियंसिस का था वैसा ही है, उन्हें बहुत अच्छा लगा मेरा काम. अभय इनफैक्ट हम लोग दोनों साथ में देखते थे क्योंकि वो एपिसोडिक था, मतलब वो एक साथ बिंज वॉच के लिए नहीं आया, हर महीने एक एक दो दो एपिसोड आते थे. तो वी बीन वॉचिंग इट टुगेदर और फर्स्ट टाइम व्यूइंग साथ में ही थी, तो मेरे लिए भी पहली बार, मैंने भी नहीं देखा था एपिसोड, हम साथ में ही देखते थे एंड शी रियली एंजॉयड, क्योंकि उसे भी ये जॉनर बहुत पसंद है. तो बोथ ऑफ अस एक्चुअली एंजॉयड इट, आई ऑल्सो एंजॉयड वॉचिंग इट, क्योंकि जब हम कर फिल्म में क्या होता है, आप करते हैं उसके बाद डब करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू देखते हैं, फिर जनता के साथ देखते हैं. ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ख़त्म किया और हमने भी, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मुझसे पहले देख लिया हो एपिसोड, सो आई ऑल्सो वॉच इट लाइक एन ऑडियंस एंड आई रियली एंजॉयड व्हाट आई सॉ. जी इनाया अभी तक टीवी देखना शुरू नहीं किया, अभी हमने उसको टीवी टाइम शुरू नहीं किया, तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम किसी और पर्दे पे भी आते हैं. चलिए इसके अलावा और एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है आपके लिए, मतलब जी यू एंड अनिल कपूर जी होने वाले जी, और भी आदित्य हैं, दिशा हैं. सो अगर कुछ बता सके आपका कि आप कौन से कैरेक्टर में आने वाले हैं, या कुछ थोड़ा बहुत लाइक एक्शन होगा. सब कुछ होगा. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं दोबारा मोहित के साथ काम कर रहा हूँ. मोहित मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे कलयुग के, उसके बाद अब हम